नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक की मार्च 2019 तक एटीएम की संख्या को कम करने की कोई बड़ी योजना नहीं है। बैंक ने गुरुवार को यह जानकारी दी। एटीएम इंडस्ट्री की शीर्ष संस्था कन्फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्री के बयान के बाद पीएनबी की ओर से यह टिप्पणी आई है। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को लंदन के पॉश इलाके में स्थित घर को बचाने के मामले में यूके कोर्ट से बड़ा झटका लगा। इतना ही नहीं, माल्या को लंदन के पॉश इलाके में स्थित अपने आलिशान बंगले से हाथ धोना पड़ सकता है। भारत ने अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए अमेरिका से 24 MS-60 रोमियो पनडुब्बी रोधी हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए पिछले हफ्ते डील की है। समुद्र पर चीन की बढ़ती ताकत के बीच पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से भारत को इस तरह के हंटर हेलीकॉप्टर की जरूरत है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन और बिन्नी बंसल को पत्र लिखकर वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट डील से हुई आय के बारे में ब्यौरा मांगा है। साथ ही उनसे पूछा है कि वे कब एडवांस टैक्स का भुगतान करेंगे। लोगों की पासपोर्ट सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए भारत सरकार देश के सभी 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने की तैयारी कर रही है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने यह जानकारी दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार। चलो चलो, जल्दी करो जल्दी करो। अरे दद्दा, ओ कहाँ जाना है? हाँ इधर इधर। हाँ आओ आओ, कहाँ जाना है आपको? दद्दा कहाँ जाना है? बेटा मुझे मध्य प्रदेश जाना है। अरे दद्दा, मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में ही तो हो। बेटा मुझे ये विज्ञापन वाले मध्य प्रदेश में जाना है, जहाँ सड़कें अमेरिका से ज्यादा अच्छी हैं, जहाँ लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है, जहाँ किसानों की आय दोगुनी हो गई है, जहाँ बहू बेटियाँ सुरक्षित हैं। अरे दद्दा, पिछले 15 सालों से भाजपा सरकार के बड़े बड़े दावे विज्ञापनों तक सिमट के रह गए हैं। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं तो फिर चलो इस बार विज्ञापन वाली भाजपा सरकार को ही बदल देते। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।